हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कि आपके अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल सर्तिया रेमेडी लेके आए। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे तो आपके अनचाहे बाल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे, दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले एक बाउल में ऐड कर दिया। हमने 1.5 चम्मच ले लिए हैं गेहूं का आटा, ले ली आधी चम्मच ले लिए। इसमें बेसन ले लेंगे और यह हमने लिया है सीक्रेट चीज़, इसमें गुड़ डालना है आपको। गुड़ को डालने के बाद में, क्योंकि आप जहाँ पे भी अनचाहे बालों पे आप इसका लेप लगाएंगे तो आपके बाल बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएंगे। ये बाल है जो आप अगर इसको थोड़ा सा गर्म करके भी गुड़ को डाल लोगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो इनको सभी को ऐड कर दिया। अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे तो वो है मेथी। तो मेथी का आप पाउडर बना के, आपको मेथी का पाउडर लेना है आधी चम्मच के करीब, क्योंकि मेथी हमारी स्किन के लिए इतनी ज़्यादा फायदा करती है कि आपको अगर नॉर्मल भी मेथी का पेस्ट बना के पाउडर का आपके हाथ पैरों पे अप्लाई करोगे तो इतनी ज़्यादा चिपक जाती है मेथी है। तो उस तरीके से आप उसको अगर नॉर्मल भी आप उसको छुड़ाओगे तो आपके बाल उसके साथ बिल्कुल आते हैं। फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, इस रेमेडी को आप इसमें मेथी मिक्स करके, मेथी के पाउडर को और अप्लाई करेंगे तो आपके जो भी अनचाहे बाल है वो जड़ से ऊपर जाएंगे और दोबारा बिल्कुल भी नहीं उगेंगे वो बाल वहाँ से। और मेथी तो अक्सर सभी के घर में मिली जाती है, कोई आपको ये चीज़ बाहर से इतनी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से रेमेडी बना के अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, ये आप नॉर्मल तरीके से आप ये चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं। आप मेथी के पेस्ट को अगर नॉर्मल भी लगाएंगे तो आपके हाथों के भी बालों में इतना ज़्यादा चिपक जाता है कि उसको छुड़ाने में हमारे बाल जरूर निकल ही जाते हैं उससे। तो आप इस चीज़ को लगा के, आप इसको लगा के और अपने बालों को, अनचाहे बालों को, आपके अगर अपर लिप्स में भी अगर बाल है तो उसको भी आप इसको छुड़ा सकते हैं। या आपको वैक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, इस तरीके से रेमेडी अप्लाई करोगे तो। और ये चीज़ें घर में ही रखी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो आपको पार्लर में इतना महंगा महंगा फेशियल करवाने जाते हो तो ये चीज़ें घर पे भी कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो और लाइक शेयर करें, वहाँ पर भी आपको नई नई रेमेडी और रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो ये आप इस तरीके से मेथी का टेक्सचर देख सकते हैं। आपको बैटर को, इसको मिक्स को ज़्यादा गीला नहीं करना है क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जल ऐड करना है, ज़्यादा इसमें पानी वानी भी बिल्कुल भी ना डालें। और आप इस तरीके से चिपचिपा लग रहा है क्योंकि मेथी में बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है कि क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा लार बनती है। और ये मेथी सूखने के बाद हमारी स्किन में जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं, जो भी अनचाहे बाल होते हैं, तो उनको जड़ से उपाड़ने का काम करता है ये। आप फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, इसको आप नॉर्मल भी इसको ट्राई कर सकते हैं, देख के आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगे आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको जो भी कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसको लगा कर आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है क्योंकि ये हम आपको लगा के बता रहे हैं। इस तरीके से आपको सुखा के और फिर आपको इसको हल्के हाथ से मसाज करनी है, इसको हल्के हल्के हाथ से छुड़ाते हुए इसको छुड़ा लेना है। तो आपके बाल बिल्कुल धीरे धीरे इसमें पूरे बाल आ जाएंगे, केवल आपको एक बार में ही आपके बाल इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए, इस तरीके से छुड़ाना है, इस तरीके से आप इसको स्क्रब टाइप के करोगे तो आपके बाल पूरे जड़ से उखड़ जाएंगे। मैं फ्रेंड्स यकीन से बोल रही हूँ, एक बार जरूर इस तरीके से बना कर ये रेमेडी अप्लाई करें, आपके अनचाहे बालों से छुटकारा पाए, परमानेंट इलाज है इसका, मैं गारंटी से बोल रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। तो आप, या अगर आपके पास कोई चाकू या चम्मच को उल्टी करके भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं तो वो पूरी अच्छी से जो चिपकी हुई मेथी के दाने रहते हैं, ये जो इसका पाउडर है, तो आसानी से छूट जाता है, पूरे बालों को बिल्कुल साफ कर देता है, क्लीन कर देगा ये स्किन को। तो इस तरीके से आप घर पे ही वैक्स कर सकते हैं, जो भी अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। अपर लिप्स के ऊपर जो बाल होते हैं उनको अक्सर सभी लेडीजें परेशान होती है, लड़कियाँ और लेडीज दोनों ही, तो इस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं। लगा कि आप घर में ये चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से, आपको पार्लर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके आपको छुड़ाना है फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेमेडी होने वाली है और आपको ज़रूर इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए, आपको इस तरीके से इसको छुड़ा लेना है। तो
आपको नॉर्मल पानी से इसको धो के आपको थोड़ा सा आपको हल्के हाथ से इसको रब करते हुए निकालना है। देखिए हमने जो इसके ऊपर की लेयर थी मोटी तो उसको हमने निकाल दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक चुकी है जो मेथी का पेस्ट है जो ये, और ये पूरे बालों को जड़ से उपाड़ दिया है। मैं फ्रेंड्स यकीन से बोल रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं इसका रिजल्ट है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो इस रेमेडी को आपके घर वाले और आपके रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर करें, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके जल्दी से फॉलो करें, लाइक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।